दोस्तों, गौतम बुद्ध कहा करते थे, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है और मन ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सोचना गलत है कि दुर्भाग्य पूर्व से आता है या पश्चिम से आता है। दुर्भाग्य हमारे मन के भीतर से ही उत्पन्न होता है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय जैन। मैं एक लाइफ कोच और माइंड पावर कोच हूं। दोस्तों, गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में एक एनलाइटेंड व्यक्ति के रूप में पूजनीय हैं और उनके यह शब्द इस बात का सबूत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन काम करते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में न्यू कमर हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्ट करने की सबसे बेस्ट तकनीक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड एक ऐसी टेक्निक है जो किसी व्यक्ति की इच्छाओं और कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकती है। आज मैं जिस टेक्निक की बात आपसे करने जा रहा हूं उसे हम अब्राहम हिक्स के 17 सेकेंड रूल्स के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड का उपयोग करने के लिए पहला कदम है किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करना, चुनना। आपके पास 1,00,000 चीजें हो सकती है जिन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। 17 सेकंड का नियम कहता है कि जब आप किसी विचार पर 17 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने विचार की वाइब्रेशन को सक्रिय करते हैं। जब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 17 सेकंड्स में होता क्या है, मैनिफेस्टेशन में तो बहुत समय लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि माइंड को पूरी तरह से क्लियर करके सिर्फ एक चीज पर फोकस करना आसान नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते और जाते रहते हैं। अगर आप यह करने में सक्षम हो जाते हैं तो रोज के 17 सेकंड्स भी काफी होते हैं। जब आप भरपूर प्रैक्टिस के साथ 17 सेकंड्स तक मैनिफेस्ट करने में सफल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हैं और नेक्स्ट स्टेज पर आपको 34 सेकंड तक अपना फोकस बनाए रखकर मैनिफेस्ट करना है। जब आप इस स्टेज को भी मास्टर कर लेते हैं तो आप 51 सेकंड्स तक मैनिफेस्ट करने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लास्ट और अल्टीमेट स्टेज होती है 68 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन। जब आप 68 सेकंड्स के लिए किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो वाइब्रेशन पैदा होती है वह वास्तविक जीवन में खुद को प्रकट करने के लिए सक्षम हो जाती है। इसके बाद आपका काम धैर्य रखना और ब्रह्मांड के पास आपके लिए जो कुछ भी है उसे प्राप्त करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज संजय जैन, डायरेक्ट दिल से।